चलने यात्रा का पहला जत्था आप भी रवाना हो रहे हैं? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ये मेरा 8 साल में दूसरी बार है। पता नहीं, महादेव का बुलावा नहीं था, लेकिन आज बुलावा आ गया है, तो देख लीजिए सर, पहले जत्थे में मेरे को मौका मिल गया सर पैदल। तो कितना अच्छा उत्साह है, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, बाकी फैसिलिटीज वगैरह। सर, फैसिलिटीज के मामले में दिक्कत कुछ भी नहीं है हमारे को। यहाँ पे सारी फैसिलिटी मतलब हाथ में ही मिल रही है, ज़्यादा दूर भी हमारे को नहीं चलना पड़ रहा है अब। लेकिन ये कि देखो, फैसिलिटी के मामले में गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, हमारे को भी अच्छा लग रहा है। देखो, जो पैसा है हमारे देश का, वो देखिए सर, डेवलपमेंट पे यहाँ लग रहा है। तो कितना अच्छा, बाकी लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए दुआ करेंगे कि अच्छे से सब रहे, और ये जो यात्रा है अमन का पैगाम लेकर। सर, ये यात्रा साल में एक बार होती है, तो ये मान के चलिए कि कश्मीरी भाइयों से और बहनों से हमारे को मिलने का मौका मिलता है, एक नई संस्कृति। मैं खुद अभी परसों कश्मीर किसी के घर में रुका था, तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इतना मतलब हॉस्टेज किया मुझे, इतना बढ़िया बकायदा कश्मीरी कहवा भी पिलाया। तो देखो, ये सबसे बड़ी बात है सर, श्रीनगर में वो भी अच्छा लगा मुझे। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित। रोहित, मैं यात्रा का आज पहला दिन है, आज पहला शुरू हो गई है, आप भी इसमें शामिल हैं, कितना अच्छा लग रहा है? पहले जत्थे में आ रहे, बाबा बर्फानी की पूरी पूरी कृपा है, मौसम कितना अच्छा सुहावना मौसम है। कल तो बरसात हुई थी हल्की फुल्की, बट आज ऐसा मजा आ रहा है कि मतलब। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित। रोहित, मैं यात्रा का आज पहला दिन है, आज पहला शुरू हो गई है, आप भी इसमें शामिल हैं, कितना अच्छा लग रहा है? पहले जत्थे में आ रहे, बाबा बर्फानी की पूरी पूरी कृपा है, मौसम कितना अच्छा सुहावना मौसम है। कल तो बरसात हुई थी हल्की फुल्की, बट आज ऐसा मजा आ रहा है कि मतलब देख रहे लोग बागों का हुजूम जा रहा है, पूरा पूरा कई हज़ार लोग जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, और पहली बार बालटाल से चढ़ रहे हैं, दूसरी बार यात्रा कर रहे हैं हम बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, और उम्मीद है कि बिना थके ऊपर पहुंच जाएंगे बाबा बर्फानी के पास, दर्शन अच्छे से होंगे, फिर आराम से नीचे उतर आएंगे। तो कितना अच्छा जो फेस्टिवल जैसा लग रहा है, जब यात्रा शुरू होती है कश्मीर के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ लोकल्स भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करते हैं, लेकिन कश्मीर की जो परंपरा रही है यात्रा में, हमेशा यहाँ के लोकल्स वेलकम करते हैं, मदद करते हैं। कश्मीर, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जन्नत है कश्मीर तो धरती पे, ऐसा सुहावना मौसम और ऐसी वादियाँ देखने को कहीं नहीं मिलती। बाकी कश्मीर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और अपने BSF CRPF वाले लोग भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं, और मेरा दूसरी बार ये तो मतलब मज़ा आ रहा है पूरा, और यहाँ लोगों ने लंगर लगा रखे है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और कश्मीर के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बोले बोलेगी बोले 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 बोले
यार इधर डीजे लगा ना गाना लगाओ हर हर अंदर चल रहा चल रहा आज के दिखाओ नहीं ये कोई चाय पिए का बिल्कुल नहीं बने झूठ झूठ ही कर दी अंकल Thank you.
ट्राई नहीं कर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ये मेरा 8 साल में दूसरी बार है। पता नहीं, महादेव का बुलावा नहीं था लेकिन आज बुलावा आ गया है, तो देख लीजिए सर, पहले जत्थे में मेरे को मौका मिल गया सर पैदल। तो कितना अच्छा उत्साह है, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, बाकी फैसिलिटीज वगैरह। सर, फैसिलिटीज़ के मामले में दिक्कत कुछ भी नहीं है हमारे को, यहाँ पे सारी फैसिलिटी मतलब हाथ में ही मिल रही है, ज़्यादा दूर भी हमारे को नहीं चलना पड़ रहा है अब। लेकिन ये कि देखो, फैसिलिटी के मामले में गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, हमारे को भी अच्छा लग रहा है। देखो, जो पैसा है हमारे देश का, वो देखिए सर डेवलपमेंट पे यहाँ लग रहा है। तो कितना अच्छा, बाकी लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए दुआ करेंगे कि अच्छे से सब रहे, और ये जो यात्रा है अमन का पैगाम लेकर। सर, ये यात्रा साल में एक बार होती है, तो ये मान के चलिए कि कश्मीरी भाइयों से और बहनों से हमारे को मिलने का मौका मिलता है, एक नई संस्कृति। मैं खुद अभी परसों कश्मीर किसी के घर में रुका था, तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इतना मतलब हॉस्टेज किया मुझे, इतना बढ़िया बाकायदा कश्मीरी कहवा भी पिलाया। तो देखो, ये सबसे बड़ी बात है सर, श्रीनगर में वो भी अच्छा लगा मुझे। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित। रोहित, मैं यात्रा का आज पहला दिन है, आज पहला शुरू हो गई है, आप भी इसमें शामिल हैं, कितना अच्छा लग रहा है? पहले जत्थे में आ रहे, बाबा बर्फानी की पूरी पूरी कृपा है, मौसम कितना अच्छा है, सुहावना मौसम है। कल तो बरसात हुई थी हल्की फुल्की, बट आज ऐसा मजा आ रहा है कि मतलब। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित। रोहित, मैं यात्रा का आज पहला दिन है, आज पहला शुरू हो गई है, आप भी इसमें शामिल हैं, कितना अच्छा लग रहा है? पहले जत्थे में आ रहे, बाबा बर्फानी की पूरी पूरी कृपा है, मौसम कितना अच्छा है, सुहावना मौसम है। कल तो बरसात हुई थी हल्की फुल्की, बट आज ऐसा मजा आ रहा है कि मतलब देख रहे लोग बागों का हुजूम जा रहा है, पूरा पूरा कई हज़ार लोग जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, और पहली बार बालटाल से चढ़ रहे हैं, दूसरी बारी यात्रा कर रहे हैं हम बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, और उम्मीद है कि बिना थके ऊपर पहुंच जाएंगे बाबा बर्फानी के पास, दर्शन अच्छे से होंगे, फिर आराम से नीचे उतर आएंगे। तो कितना अच्छा जो फेस्टिवल जैसा लग रहा है, जब यात्रा शुरू होती है, कश्मीर के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ लोकल्स भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करते हैं, लेकिन कश्मीर की जो परंपरा रही है यात्रा में, हमेशा यहाँ के लोकल्स वेलकम करते हैं, कश्मीर सबसे पहले तो ये भी कहना चाहूँगा जन्नत है कश्मीर तो धरती पे, ऐसा सुहावना मौसम और ऐसी वादियाँ देखने को कहीं नहीं मिलती। बाकी कश्मीर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और अपने BSF CRPF वाले लोग भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं, और मेरा दूसरी बार ये तो मतलब मज़ा आ रहा है पूरा, और यहाँ लोगों ने लंगर लगा रखे है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और कश्मीर के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।
इधर डीजे लगा के ना गाना लगाओ हर हर चल रहा चल मैं आज के देखो नहीं ये कोई चाय पिए का बूथ नहीं खोला झूठ झूठ ही कर दी बोले
टीवी चैनल आ रहे तुम सारे अपनी अपनी साइड पे आराम से और सच्ची तरीके से चलिए, बिना किसी के किसी को बोलने वाले या यात्री को आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। हमारी सुनो वो बात मैडम को हिंदी आती है? आपका नाम? आयुषी जायसवाल। आयुषी, पहली यात्रा शुरू हो गई अमरनाथ जी की, होली के ऊपर दर्शन के लिए आप लोग जा रहे हैं, आप पहले जट्टे में है, कैसा अच्छा लग रहा है? कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत हिम्मत आ रही है सबको देखकर, बस अब बाबा के अच्छे से दर्शन हो जाए यही प्रार्थना है, सबके अच्छे से दर्शन हो जाए। कब से तैयारियां कर रहे हैं? पहला जट्टा है ये? पहला जट्टा है, कम से कम 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे हम लोग। हाँ जी, पहले भी 15 दिन पहले तैयारी कर रहे थे, डर भी लग रहा था, पर अब सबको देख के हिम्मत आ रही है कि चल रहा है। डर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं, घोड़े वगैरह सब कुछ है, सारे अरेंजमेंट अच्छे हैं, सभी सुविधाएं हैं। सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि जितने भी लोग जा रहे हैं सबको बाबा के अच्छे से दर्शन हो और सभी अच्छे से लौट कर घर आए। जी, आपका नाम? अमित जायसवाल। अमित, यात्रा पर जा रहे हैं होली के लिए, दर्शन के लिए जा रहे हैं और पहला जट्ठा निकल रहा है, सारे बड़े खुश लग रहे हैं। जी, मैं वैसे यहाँ पहली बार आया हूँ और यहाँ देखने से मुझे लगता है कि एक अलग ही प्रकृति के साथ साथ लोगों का एक अलग मान है। यहाँ के जो लोग सेवा करते हैं, जो जिस प्यार से हमें भोजन और सारी व्यवस्था, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो यहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई परेशान नहीं है, कोई भी यात्री परेशान नहीं है, बाकी बाबा की इच्छा और सभी के अच्छे दर्शन हो यही कामना है। और कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये खूबसूरत वादी है, ये इसलिए भी यहाँ लोग मिल बांट कर रह रहे हैं, यहाँ जी मुस्लिम यहाँ की जब भी यात्रा जी वेलकम करते जी यहाँ की मिलिट्री, यहाँ के जो ऑफिसर्स है, लोकल्स ऑफिसर है, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मैंने देखा है कि यहाँ हम जैसे एक सभी मिलजुल के रहते हैं, वैसा प्यार सबसे देखा गया है। पहला जट्टा और पहली बार आ रहे हैं जी। बारिश भी होने लगी लेकिन फिर भी निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you.
रहे थे नींबू किया जाता है कि अपना अपना RFID कार्ड अपने गले में लटका के रखे और जिन यात्रियों के पास RFID कार्ड नहीं है वो अभी भी बाल्टल जाके अपना अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जय बोले जय बोले। आने हैं आप तो खड़े हैं।
क्यों? यार इधर डीजे लगा के ना गाना लगाओ। हर हर अंदर चल रहा चल रहा आज के दिखाओ। नहीं ये कोई चाय पिएगा भूख नहीं खाने की झूठ झूठ ही कर दी। अंकल ऊपर गेट को आर्मी की गाड़ी को चलने जय भोले जय भोले जय भोले टीवी चैनल जा रहे तुम सारे ये
आप योद्धा हूँ। अपनी अपनी टायर पे आराम से और अच्छी तरीके से चलिए, बिना किसी के किसी को रोकने या यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। क्या कर रहे हैं? जीरो तैयारी है, जीरो तैयारी। इस हाँ लाइक हमारी सुनो दो बात। और जोड़े वाले से गुजारिश है कि वो अपनी पर्ची हासिल करें, प्री प्लेट से बिना पर्ची के मैडम को हिंदी आती है? आपका नाम? आयुषी जायसवाल। आयुषी, पहली यात्रा शुरू हो गई अमरनाथ जी की, होली के ऊपर दर्शन के लिए आप लोग जा रहे हैं, पहले जत्थे में है, कैसा अच्छा लग रहा है? कितना भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत हिम्मत आ रही है सबको देखकर, बस अब बाबा के अच्छे से दर्शन हो जाए यही प्रार्थना है, सबके अच्छे से दर्शन हो जाए। कब से तैयारियां कर रहे हैं? पहला जट्टा है ये? पहला जट्टा है, कम से कम 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे हम लोग। हाँ जी, पहले भी 15 दिन पहले तैयारी कर रहे थे, डर भी लग रहा था, पर अब सबको देख के हिम्मत आ रही है कि चल गए। डर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं, घोड़े वगैरह सब कुछ है, सारे अरेंजमेंट अच्छे हैं, सभी सुविधाएं हैं। सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि जितने भी लोग जा रहे हैं सबको बाबा के अच्छे से दर्शन हुए और सभी अच्छे से लौट कर घर आए। जी, आपका नाम? अमित जायसवाल। अमित, यात्रा पर जा रहे हैं होली के लिए, दर्शन के लिए जा रहे हैं और पहला जट्ठा निकल रहा है, सारे बड़े खुश लग रहे हैं? जी, मैं वैसे यहाँ पहली बार आया हूँ और यहाँ देखने से मुझे लगता है कि एक अलग ही प्रकृति के साथ साथ लोगों का एक अलग मान है। यहाँ के जो लोग सेवा करते हैं, जो जिस प्यार से हमें भोजन और सारी व्यवस्था, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो यहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई परेशान नहीं है, कोई भी यात्री परेशान नहीं है, बाकी बाबा की इच्छा और सभी के अच्छे दर्शन हो यही कामना है। और कश्मीर धरती का स्वर्ग है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये खूबसूरत वादी है, ये इसलिए भी यहाँ लोग मिल बांट कर रह रहे हैं, यहाँ जी यहाँ की जब भी यात्रा जी वेलकम करते जी यहाँ की मिलिट्री, यहाँ के जो ऑफिसर्स है, लोकल्स ऑफिसर है, उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और मैंने देखा है कि यहाँ हम जैसा एक सभी मिलजुल के रहते हैं, वैसा प्यार सबसे देखा गया है। पहला जट्ठा और पहली बार आ रहे हैं जी। बारिश भी होने लगी लेकिन फिर भी निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।